आज अपन देखेंगे मॉलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ टी डीएनए। तो क्या मॉलिकुलर मैकेनिज्म है टीडीएनए की, देखते हैं। सबसे पहले टीडीएनए को के लिए अपन कई सारे जो है और बैक्टीरियम यूज करते हैं। इसको इसका भी सबसे पहला एग्जांपल है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। तो ये क्या, इट इज ग्राम नेगेटिव एंड रोड सेप्ट प्लांट पैथोजेनिक सोइल बैक्टीरिया हैविंग टू स्ट्रेंड्स। जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रोड सेप्ट, इसके सेप जो रोड सेप है प्लांट पैथोजेनिक सोइल बैक्टीरिया है, इसके के टू स्ट्रेन होते हैं कि ट्यूमिफेसियंस कोज क्राउन गॉल डिजीज एंड ये राइजोजन्स कोज हेरी रूट डिजीज इन डाइकोट प्लांट्स बाय इन्फेक्टिंग थ्रू वाउंड्स ऑन रूट ऑन स्टेम एट द सोइल सरफेस। द बैक्टीरियम कंटेन्स टीआई ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। दिस प्लाज्मिड कैन ट्रांसफर पार्ट ऑफ द डीएनए, टीडीएनए जिसको बोलते हैं अपन, डीएनए का वो पार्ट टीडीएनए, इन टू प्लांट सेल क्रोमोसोम बाई विच प्लांट सेल्स बिकम ट्रांसफॉर्मड बाई एक्सप्रेशन ऑफ टीडीएनए जीन विच इंड्यूस डिजीज। डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग। अपने देखा कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस क्या है, मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रोड शेप है, पैथोजेनिक सोइल बैक्टीरिया है जिसके टू स्ट्रेन है, ट्यूमिफेसियंस है और राइजोजेंस है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो है क्राउन गॉल डिजीज करवाता है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस जो है वो हेरी रूट डिजीज करवाता है डाइकोट प्लांट में। द बैक्टीरियम कंटेन जो भी है इसके बारे में अपन ने पढ़ा, प्लाज्मिड के बारे में, टीआई प्लाज्मिड के बारे में। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग। इट इज द सोइल प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया, इट्स बैक्टीरिया सेल। इट्स बैक्टीरिया सेल, इट इज ए सोइल प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। इट्स बैक्टीरियल सेल पोजेज ए टी आई प्लाज्मिड इन एडिशन टू बैक्टीरियल क्रोमोसोम ड्यूरिंग इन्फेक्शन सेगमेंट। टी डीएनए ऑफ टी आई प्लाज्मिड गेट्स ट्रांसफर्ड एंड बिकम इंटीग्रेटेड इन द प्लांट सेल जीनोम। दिस टी डीएनए कैरी जीन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ डिजीज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जिसे कहते हैं अपन। तो जब भी कोई एक जब अपन ट्रांसफर करवाते हैं, जब इसके साथ टी आई प्लाज्मिड ऐड करते हैं, तो ये क्या करता है कि उसके साथ एग्रोबैक्टीरियम टी आई प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर देता है। टी डी एन ए का जो सेगमेंट है वो टी आई प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर देता है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है, ये टी आई प्लाज्मिड होता है, ये टी डी एन ए होता है इसका। टी आई प्लाज्मिड का टी डी एन ए सेगमेंट इसके साथ बाइंड हो जाता है। कंपोनेंट ऑफ टी आई प्लाज्मिड, तो अपन टी आई प्लाज्मिड का अगर डायग्रामेटिकली देखिए तो इसके अंदर ओपेरॉन होते हैं, जो भी उसके बारे में ओपिन होते हैं, साइटोकाइन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर रहता है टी आई प्लाज्मिड का। टी ट्रांसफरेबल डीएनए रीजन, मतलब टी डीएनए रीजन होता है, विरजीन रीजन रहते हैं इसमें, विर रीजन जिनको बोलते हैं अपन, विरुलेंस, होस्ट स्पेसिफिसिटी रीजन रहते हैं और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रीजन रहते हैं। ओआरआई साइट रहती है, इसके अंदर होस्ट स्पेसिफिक रीजन रहता है, विरजीन रहते हैं और टी डीएनए रीजन रहता है। द टी आई प्लाज्मिड आर क्लासिफाइड इंटू डिफरेंट अबाउट 14 टाइप डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक ऑफ पिन बींग सिंथेसाइज। ओंकोजेनिक जीन, साइटोकाइन इन प्रोडक्शन, ये इसका स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंटेशन है टी आई प्लाज्मिड का। तो जैसे ये ओपन सिंथेसिस है, ये साइटोकाइन प्रोडक्शन करता है, ये ओंकोजेनिक जीन होते हैं, ओंकोजेन प्रोडक्शन करता है, ये लेफ्ट डीएनए बॉर्डर होता है, ये राइट डीएनए टी डीएनए बॉर्डर होता है, कंजुगेटिव ट्रांसफर, ये ओपन कैटाबोलिज्म और ये विरुलेंस रीजन रहता है, ये रेड वाला पूरा, किस तरह से ये ओआरआई साइट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट रहता है, ये टी आई प्लाज्मिड का डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है। इट इज ए 200 KB मेगा प्लाज्मिड। टी डी एन ए 15 से 40 KB रीजन कंटेंट्स जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिजन साइटोकाइनिन एंड ओपिन्स जीन के लिए सिंथेसाइज करता है। ऑक्सिजन एंड साइटोकाइनिन जीन आर एक्सप्रेस्ड इन प्लांट टिश्यू इंड्यूसिंग डिजीज। ओपिन्स अनयूजुअल अमीनो एसिड प्रोड्यूस्ड बाय इन्फेक्टेड सेल्स आर यूज्ड एज न्यूट्रिएंट्स बाय एग्रोबैक्टीरियम। टी डी एन ए रीजन इज बॉर्डर्ड ऑन बोथ साइड्स बाई 25 बेस पेयर रिपीट्स विच हेल्प्स इट इन इट्स ट्रांसफर टू प्लांट जीनोम। विरुलेंस रीजन कंटेंट्स अबाउट 8 ओपेरॉन हैविंग अबाउट 24 to 25 जीन्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीडीएनए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीडीएनए, ये अपन इसके बारे में पढ़ा कि कितने बेस पेयर रहते हैं, क्या केबी के डीएनए टीडीएनए की लेंथ रहती है, रीजन कितने होते हैं, वो सब इसके बारे में पता, कितने जीन इसमें रहते हैं। देन अब अपन देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीडीएनए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीडीएनए, टीडीएनए इज 23 KB सेगमेंट बॉर्डर ऑन बोथ साइड्स बाय 25
बेस पे डायरेक्ट रिपीट सीक्वेंस, टीडीएनए कंटेंट्स जीन्स को ट्यूमर इंडक्शन बाय फॉर्मिंग ऑक्सिन साइटोकिनिन एंड ओपिन्स, ऑल जीन्स इन टीडीएनए रीजन कंटेन यूकैरियोटिक रेगुलेटरी सीक्वेंस सो आर एक्सप्रेस्ड ओनली इन प्लांट सेल्स। All genes in TDNA region contain eukaryotic regulatory sequence, so are expressed only in plant cells. Organization of viridian. Viridian contains 8 operon, viri A, B, C, D, E, F, G, and H, which together have 25 genes. 8 operons vir each region रहते हैं, जिसमें viri A, B, C, D, E, F, G, H तक रहता है। 25 genes रहते हैं इसमें। Viridian mediates transfer of TDNA into plant genome. It is itself not transferred. Vir A and Vir G are constitutive operation encoding Vir A and Vir G proteins. Vir A and Vir G जो है ये operons जो रहते हैं ये Vir A and Vir G protein को code करते हैं। Other Vir operon encode various protein involving TDNA transfer. जो TDNA transfer में जो protein involved होती है उन सबको code करते हैं। Others जो बच गए वो mechanism of transfer of TDNA. Transfer of TDNA is a stepwise process. Viridian region of TI plasmid become activated by the phenolic signal voluble acetosirenogen released by round tissue of dicot plants which constitute wound response of edge follows. तो ये क्या करता है ना कि मैकेनिज्म ऑफ टीडीएनए ट्रांसफर की जो मैकेनिज्म है वो कैसे होता है, तो कुछ फिनोलिक कंपाउंड रहते हैं जिसको एस्ट्रोसिरिनोजेन रहते हैं, वो जो मेम्ब्रेन के पास आते तो विर ए एंड विर ई जीन जो है उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और विर जी जो है वो उनको विरिजन टी आई प्लाज्मिड के पास भेजता है जहाँ पे विर सी एंड विर डी इनकी हेल्प करते हैं, और इस तरह से विर सी एंड विर डी वन डी टू डी के भी टू पार्ट रहते हैं डी वन एंड डी टू, और इस तरह से ये सारा इसका डीएनए का एक मतलब बोल सकते हैं मैकेनिज्म रहती है पूरे डीएनए की टीडीएनए ट्रांसफर के। एसिटोसिरिनोजिन ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटोसिरिनोजिन जैसे कि वो फिनोलिक कंपाउंड जो उसको आइडेंटिफाई करता है स्टार्टिंग में मेम्ब्रेन के पास, वो बाइंड विद विर ए प्रोटीन लोकेटेड इन द इनर मेम्ब्रेन एंड एक्टिवेट इट इज स्टार्ट फंक्शनिंग एज ऑटोकाइनेज टू फॉस्फोराइलेट इटसेल्फ बाय एटीपी फॉस्फोराइलेटेड विर ए प्रोटीन देन विर ए प्रोटीन देन फॉस्फोराइलेट्स विद जी प्रोटीन विच देन डाइमराइज। फॉस्फोराइलेटेड विद जी प्रोटीन हैज डीएनए बाइंडिंग फंक्शन, इट इंड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ रेस्ट ऑफ वेराइज ऑपेरॉन। विर डी वन एंड विर डी टू प्रोटीन हैज टोपोआइसोमरेज एंड एंडोन्यूक्लिएज एक्टिविटी रेस्पेक्टिवली, इट बाइंड्स टू राइट बॉर्डर सिक्वेंस ऑफ टीडीएनए एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ विर डी टू प्रोटीन विच इज ऑल्सो एंडोन्यूक्लिएज एंड निक्स एट द राइट बॉर्डर एंड रिमेन्स बाउंड टू 5 डेज सो जनरेटेड। ये इसका मतलब पूरा जो प्रोसेस मैंने भी बताया था वही है कि कौन से प्रोटीन कौन से एक्टिव रहते हैं, पहले वीर ये प्रोटीन इसको आइडेंटिफाई करती है, फिर वीर ये वीर जी को एक्टिवेट करती है, वीर जी वीर डी वन एंड डी टू को जो होते हैं एंडोन्यूक्लिएज एक्टिविटी करवाते हैं वो सारे इसमें दे रखा है। वीर डी वन अनवाइंड टी आई प्लाज्मा डबल ट्रांसफर टी डी एन ए लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर से कट हो जाता है, देन इसके बाद में जो अपन को जो भी स्पेसिफिक प्लाज्मा डीएनए जो ट्रांसफर करवाना होता है वो इसके साथ बाइंड कर लेता है और एक सिंगल स्टैंडर्ड टीडीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। द 3 डेज एंड प्रोड्यूस्ड एट द साइट ऑफ निक्स एज ए प्राइमर फॉर डीएनए सिंथेसिस इन 5 डेज टू 3 डे डायरेक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ विच वन स्ट्रैंड ऑफ टीडीएनए इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द डीएनए डुप्लेक्स, द टीडीएनए स्ट्रैंड इज अगेन निक्ड एट द लेफ्ट बॉर्डर टू जनरेट ए सिंगल स्ट्रैंड कॉपी ऑफ टीडीएनए टू द सिंगल स्ट्रैंड कॉपी विद ई टू प्रोटीन सिंगलेस्ट स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड फॉर इट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सोन्यूक्लिएज विल बी ऑपेरॉन कंसिस्टिंग ऑफ 11 जीन्स इनकोड मेम्ब्रेन बाउंड विल बी प्रोटीन दिस अलोंग विद विर डी फॉर प्रोटीन पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेटेड ट्यूब फॉर्मेशन बिटवीन बैक्टीरियल एंड प्लांट सेल्स ट्रांसफर ऑफ टी डी एन ए विद डी टू विच रिमेन्स बाउंड टू 5 डेज ऑफ टी डी एन ए सिग्नल सिक्वेंस विच न्यूक्लियस ऑफ प्लांट सेल। इंटीग्रेशन ऑफ टी डी एन ए इनटू प्लांट जीनोम, टी डी एन ए एंटर्स प्लांट सेल एज ए सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर विच इज इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू डबल स्टैंडर्ड फॉर्म। इंटीग्रेशन ऑफ टीडीएनए इंटू प्लांट जीनोम कैसे उसके अंदर जाता है, विरीटो ऑल्सो एज ए न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिक्वेंस एंड इज रेस्पॉन्सिबल ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए इंटू प्लांट सेल न्यूक्लियस। डबल स्टैंडर्ड टीडीएनए इंटीग्रेट्स एट ए रैंडम साइट इन द होस्ट प्लांट जीनोम फॉर इंटीग्रेशन। 23 से 79 बेस पेयर डिलीशन टेक्स प्लेस एट द इंटीग्रेशन ऑफ टारगेट साइट आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ टीडीएनए इंटू प्लांट जीनोम। द जीन फॉर ऑक्सिन साइटोकिनिन एंड ओपिन्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स व्हिच रिजल्ट इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ ट्यूमर।
सेंसिंग प्लांट सिग्नल, शुगर गया, फिनोलिक कंपाउंड जब गया, फिर ये जीन गया, फिर ए ब्रिज के साथ साथ पॉइंट रहता, तो विट जी विट टी आई प्लाज्मिड के साथ गया, देन यहाँ से विट डी टू को आइडेंटिफाई हुआ, एंड विट डी टू ए फिर ई टू एंड फिर एफ से ये सिग्नल दूसरे प्लांट सेल के अंदर एग्रोबैक्टीरियम से प्लांट सेल के अंदर चले गए, प्लांट सेल में फाइनली इसके अंदर जाके विरा एफ एंड हॉट फैक्टर्स की मदद से टीडीएनए में जाके ट्रांसफर करवा देते हैं। टीडीएनए डिफेक्टर न्यूक्लियर इम्पोर्ट साइटोकाइनिन ऑक्सीजन एंड ट्यूमर कोज करवाते दोनों, ये ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन वो करवा के, एंड देयर इज माय रेफरेंसेज। तो कि आज अपन ने जो भी है आज अपन ने इनमें पढ़ा है टीआई प्लाज्मिड का जो मोलिकुलर ऑफ मैकेनिज्म वो टीडीएनए, क्या क्या मैकेनिज्म होती है टीडीएनए की, किस तरह से काम करता है, कितने टाइप के एग्रोबैक्टीरियम होस्ट जो रहते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेस कितने टाइप रहते हैं, देन किस तरह से काम करता है, क्या प्रोसेस रहते हैं, कंपोनेंट ऑफ टीआई प्लाज्मिड अपन ने देख लिया इसके अंदर, देन अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीडीएनए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विर रीजन कितने होते हैं, कैसे काम करते हैं मैकेनिज्म ऑफ टीडीएनए, ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए, देन जो भी है इसकी सारी मैकेनिज्म अपन ने देखी, देन इंटीग्रेशन ऑफ टीडीएनए इनटू प्लांट जीनोम, प्लांट जीनोम के साथ वो टीडीएनए कैसे इंटीग्रेट करता है, वो सारे मैकेनिज्म भी इसमें दिखा रखे हैं डायग्रामेटिकली आप देख सकते हो इसमें, देन दिस इज माय रेफरेंस, थैंक यू।